अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज सेक्शन 157 157 जाब्ता फौजदारी का देखेंगे हम। ये डील करता है उस प्रोसीजर को जब कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड हो। मतलब ये हुआ कि जहां पे भी पुलिस को खबर मिले कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस कोई जुर्म हुआ है, तो उस पे पुलिस क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, इसको रीड आउट करते हैं और जहां जहां इसकी वजाहत जरूरी होगी साथ साथ करते चले जाएंगे। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट, ही शेल फोर्थविथ सेंड ए रिपोर्ट ऑफ द सेम टू द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट एंड शेल प्रोसीड इन पर्सन और शेल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ टू प्रोसीड टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स ऑफ एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को रिसीव हो, जो भी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का होगा उसके पास सफिशिएंट, अगर ये रीजन है, वजह है इस खदशे की कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो जुर्म हुआ है जो सेक्शन 156 के तहत वो इन्वेस्टिगेट करने का इख्तियार रखता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर वो क्या करेगा अगर इतला मिलने पे वो फौरन उसकी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को देगा, जो मैजिस्ट्रेट उस जुर्म को का केस सुनने के लिए अहल है। और उसके बाद वो खुद मौके पे रवाना हो जाएगा या अपने किसी सब ऑर्डिनेट को डिप्यूट कर देगा कि वो मौके पे जाए। अब वो सब ऑर्डिनेट उस रैंक का होगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू प्रेस्क्राइब करेगी, बताएगी, वो मौके पे जा सकेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा तमाम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस के तमाम हालातों वाकयात की तफ्तीश करेगा और अगर जरूरी होगा तो तमाम वो इकदामात करेगा जो ऑफेंडर है उसको अरेस्ट करने के लिए या उसको तलाश करने के लिए जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी डिस्कवरी या अरेस्ट के लिए तमाम इकदाम भी करेगा। अब इसकी दो प्रोविजो हैं। ए वेयर लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस विद व्हेन एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ ए सीरियस नेचर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड नॉट टू प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट ए सब ऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। अगर उसको इतला दी गई किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी नामजद बंदे के बारे में कि उसने कोई जुर्म किया है और वो जुर्म कोई इतनी सीरियस नेचर का नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद वहां पे विजिट करे या किसी को डिप्यूट करे कि वो मौके पे जाए। मौके पे जाना ज़रूरी नहीं है अगर वो समझता है कि ये जुर्म माइनर नेचर का जुर्म है।
Where police officer in charge sees no sufficient grounds for investigation, if it appears to the police officer in charge of the police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case. जब भी जो officer in charge है police station का, उसके पास मुनासिब वजूहात हैं कि इस केस में तफ्तीश नहीं करनी चाहिए, तो वो तफ्तीश नहीं करेंगे. जहाँ पे भी उनको लगे कि इसमें तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ पे तफ्तीश नहीं करेंगे. इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लास ए एंड बी ऑफ द प्रोविजो टू सब सेक्शन वन, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शेल स्टेट इन his report his reason for not fully complying with the requirements of that subsection. जब पुलिस ऑफिसर इस प्रोविजन, ये जो दो प्रोविजोज हैं जहाँ पर वो इंक्वायरी नहीं करेगा, उसके मुतालिक अपनी रिपोर्ट लिखेगा, तो उसकी वजूहात तहरीर करेगा कि उसने ये क्यों नहीं की इन्वेस्टिगेशन. And if the case mentioned in class B, such officer shall also forthwith notify the informant. और अगर ये जो class B हमने पढ़ी है, class जहाँ पे sufficient ground नहीं होंगे investigation के, तो investigation नहीं करे, तो जो informant होगा, जिसने information दी है, informant को भी police officer मुतला करेगा कि इसमें तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, तो हम तफ्तीश इसमें नहीं कर रहे. अगर कोई इन्फॉर्मेंट है या वो उसके किसी ने कंप्लेंट की है, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, द फैक्ट दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस और कॉज इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड. तो ये थी पूरी सिचुएशन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कहाँ पे पुलिस तफ्तीश कैसे करेगी और कहाँ पे पुलिस तफ्तीश नहीं करेगी. होपफुली आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी. इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना और अपने गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.